वो तो आपस में लड़ रहे हैं दोनों, कांग्रेस का और कांग्रेस का बागी उम्मीदवार। महिलाओं को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है इस पूरे चुनाव में, वहीं पे किसान आपसे बहुत नाराज है। तो आप ये देखिए, ये है दोरा चेहरा कांग्रेस का, ये वही करती है, वही कहती है, देश में वही एजेंडा चलाती है जिसको हमारे दुश्मन चाहते हैं। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और दूसरी पार्टियों में। हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। पहले ये जेल में थे, अब ये बेल में है। पूरी नेशनल मीडिया जिस हरियाणा के नेता को हमेशा अपने कैमरे के आगे रखना चाहती है वो हैं हरियाणा के पुराने गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, और आज वो हमारे साथ हैं। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। धन्यवाद। 15 दिन से कम समय रह गए हैं, भीड़ बाहर दिख रही है हमें कि क्या नज़ारा है, किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या चुनौतियाँ हैं इस बार आपको? देखिए, मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता और मेरे शहर की जनता लड़ती है। मैं निश्चिंत रहता हूँ चुनाव के प्रति इसलिए, और पूरे जोर के साथ जितने मैंने आज तक चुनाव लड़े हैं, जान लड़वाए हैं, इस बार लोगों का सबसे ज़्यादा समर्थन और लोगों में उत्साह देखने को मिला। लेकिन एक बीच बीच में एक बात आती है कि आपने पिछले दिनों लगातार आपका एक बयान आया कि इस बार अगर पार्टी मुझे सीएम पद के लिए आवाज़ देती है तो मैं ज़रूर उसको स्वीकार करूंगा। देखिए, मेरे खिलाफ एक कंपेन चलाई जा रही है। मैंने तो वैसे आज तक कभी कुछ मांगा नहीं जी। मेरे खिलाफ एक कंपेन चलाई जाती थी कि जब जनता कहती थी, लोग कहते थे कि भाई आप उसको क्यों नहीं बनाते, तो वो कहते थे वो मानता नहीं है। तो मैंने उस बात का जवाब दे दिया कि अगर पार्टी मुझे कंसीडर करती है तो मैं बनूंगा। मैंने केवल इतनी बात की। लेकिन वो कौन से लोग थे जो आपके खिलाफ कैंपेन चला रहे थे? मेरे पास तो सारे हरियाणा से, नहीं सारे हरियाणा से लोग आते हैं जी। और मैं यहाँ पर लोगों की, जब मैं मंत्री था मैं शिकायतें भी सुनता था यहाँ पर, रात के 2-2 बजे तक बैठ के मैंने लोगों की शिकायतों का समाधान किया। हजारों की संख्या में लोग आते थे, तो वो सारे लोग बताते हैं, वो अब भी आते हैं, वो बताते हैं कि भाई आप क्यों इनकार करते हो। तो मांगना और इनकार करना दोनों बातों में अंतर है जी। कि पार्टी जो देती है तो मैंने इनकार तो नहीं किया, मैंने ये कहा है कि अगर बनाएंगे तो मेरा इनकार नहीं है। लेकिन क्या उसके बाद जब ये बयान आपका आया, क्या उसके बाद आपको सेंट्रल टीम से कोई फोन आया कि हाँ क्या बयान दे रहे हो, क्या कर रहे हो अनिल, चुनाव का समय है? नहीं नहीं, तो मैंने कोई चुनाव का तो कोई इससे वो नहीं है, मैंने तो अपनी बात स्पष्ट की। तो आपको क्या लग रहा है इस बार नायब सिंह होंगे या अनिल विज जी होंगे? नहीं, जो हाईकमान तय करेगी। हाई मैंने पहले दिन जब बयान दिया था तब भी यही कहा था जी कि जो हाईकमांड का निर्णय होगा वही हम मानते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें, और जिस तरह से इस बार दावे के साथ मैं कह सकता हूँ हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और बिना किसी के सहयोग के बनाएगी। पिछले दिनों जिस तरह से कांग्रेस में दो फाड़ की नीति, नरम दल और गरम दल की बात वो लोग करते हैं कि हम शुरू से ही ऐसे रहे हैं, शैलजा कुमारी का एक गुट रहा और वैसा ही गुट हुड्डा जी का रहा। भाजपा में भी कई जगह दो फाड़ देखने को मिला, निर्दलीय आके बागी चुनाव लड़ रहे हैं, उससे भाजपा को कितना फर्क पड़ने जा रहा है? देखिए, दोनों बातों में बहुत अंतर है जी। एक तो है भिन्न-भिन्न धड़ों ने अपने लोग खड़े किए हुए कांग्रेस में, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उनका सहयोग भी कर रहे हैं, हम अम्बाला छावनी में भी देख रहे हैं, और कुछ है हमारी पार्टी के भी कुछ लोग खड़े हो गए हों पर हमारी पार्टी के किसी व्यक्ति ने खड़े नहीं किए, कोई धड़ा उनको समर्थन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी पार्टी में कोई धड़ा है ही नहीं। हम तो एक पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखने वाले लोग। लेकिन जिस तरह से आपका बयान आया सीएम की उम्मीद वाला, उसने नायब सिंह सैनी जी के लिए, खट्टर साहब के समय भी आपने ऐसा एक बयान दिया था जब आप रूट के चले आए थे और टिक्की और गोलगप्पे खाए थे।
आप मुझे एक चीज बताइए जी, जो आदमी रूठ के आता है जी, वो घर में जाके सो जाता है जी, वो कहीं बैठ के खड़ा होके बाजार में टिक्की और गोलगप्पे नहीं खाता। हाँ। मैं रूठ के नहीं आया था, मैं कैबिनेट में शामिल ना होने के लिए कह के आया था। और वैसा मैंने कोई उसी दिन खाली नहीं कहा, मैं उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि मैं अपनी विधानसभा में ज़्यादा समय लगाना चाहता हूँ। ये जो मैंने सारे अम्बाला छावनी में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगवाए हैं, मैं इनकी तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। इसलिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी, नई कैबिनेट बन रही थी, मैंने कभी इतना कहा कि मैं बनना नहीं चाहता हूँ, तो मेरा राइट है। और मैं आया और आके ये ठीक है बात है, गोलगप्पे भी खाए हमने, बाजार में घूमे भी हम। तो अब कितने गोलगप्पे और टिक्की खा पा रहे हैं आप इस समय? आपको नहीं, लोग खिला देते हैं। कल भी हम बाजार में गए थे, एक टिक्की वाले की दुकान से गुजरे तो उसने कहा जी हमारे गोलगप्पे तो खा के जाओ आप, तो खा लिए। लेकिन आपका एक बड़ा नाम यहाँ पे पॉपुलर है, गब्बर सिंह के नाम से। कुछ लोग आपको बाबा जी बुलाते हैं, कुछ आपको गब्बर सिंह बुलाते हैं। ऐसा है, जो बच्चा परिवार में प्यारा होता है ना जी, उसको सभी अपने अपने नाम दे देते हैं, ऐसे मेरे को दे रखे हैं। चुनाव जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं और पीएम ने कल बड़ा भाषण दिया और बड़ा बयान दिया है कि 370 कोई भी वापस नहीं ला सकता, जबकि कांग्रेस की जो और एनसीपी की या पीडीपी की जितने के भी मैनिफेस्टो आए उसमें 370 को लेके बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसके बारे में आपने क्या कहना है? देखिए, पाकिस्तान से मिले हुए भी बहुत बार नजर आते हैं। देखिए, ये जो पार्टियां हैं ये वही करती हैं, वही कहती हैं, देश में वही एजेंडा चलाती हैं जिसको हमारे दुश्मन चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है, ये उसके प्रवक्ता है। धारा 370 हिंदुस्तान के ऊपर एक धब्बा था। हमने तो जब से होश संभाली है हम तो नारे मारते आए हैं, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हम कहते आए हैं। हमने धारा 370 ख़त्म करने की हमेशा बात की है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और दूसरी पार्टियों में। हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। हमने राम मंदिर की बात कही थी, हमने राम मंदिर, हमने तीन तलाक ख़त्म करने की बात कही थी, हमने तीन तलाक ख़त्म करके दिखाए। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वी आर, हम तो देश को ठीक रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश को एक नई दिशा की तरफ ले जाएगा? बहुत आवश्यक है। सारा समय देश का इलेक्शनों के में गुजर जाता था और समय नुकसान होता था, विकास कार्य रुक जाते। एक बार विकास कार्य रुके हुए दोबारा फिर गति में लाने के लिए समय लगता था। रोज इलेक्शन, कभी MLA का इलेक्शन, कभी MP का इलेक्शन, कभी एक प्रदेश में, कभी दूसरे प्रदेश में, कभी कमेटी का इलेक्शन, कभी पंचायत का इलेक्शन। तो इससे बाहर निकलना तो हमें बहुत पहले चाहिए था, पर देश के लिए करने वाला, देश के लिए जीने वाला प्रधानमंत्री पहली बार जो देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं विकसित भारत बनाऊंगा, आज से पहले का कोई प्रधानमंत्री ये बात क्यों नहीं कह सका, क्यों नहीं वो सोच सका? हमारे बाद जो देश आज़ाद हुए, छोटे छोटे देश हुए, वो भी विकसित देश बन गए, लेकिन हमारे आप एक जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, मनमोहन सिंह का, या और भी जो एक दो बने, किसी एक का बयान बता दो, किसी एक की ख्वाहिश बता दो जिसने कहा हो कि मैं विकसित भारत, मोदी जी कहते हैं मैं विकसित भारत बनाऊंगा और ये चीज़ें विकसित भारत में रुकावट थे, क्योंकि ये देश को आगे नहीं बढ़ने देती, इसलिए मोदी जी ने कहा। आपने कहा कि जब अगर मैं CM बनूंगा तो हरियाणा का दिशा और दशा दोनों बदल दूंगा, हरियाणा का रूप रंग बदल दूंगा। तो अब अगर आप बन जाते हैं या फिर आपकी पार्टी फिर से आ जाती है, पिछले 10 सालों से है, वो अभी तक क्या नहीं बदल पाई जो अनिल विज अब कह रहे हैं कि उसको बदला जाना चाहिए? देखिए, हर आदमी का काम करने का अंदाज अपना अपना होता है। अब मैं ऐसा नहीं कहता कि मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन हर आदमी का अंदाज अलग होता है। और मैंने कभी भी काम करने से पहले कुछ नहीं कहा, मेरा तो हमेशा ये नारा रहा है, काम किया है, काम करके
दिखाएंगे। तो हमने हमेशा काम करके दिखाया, इसलिए अगर मुझे मौका मिलेगा तो सारा हिंदुस्तान देखेगा कि अनिल विज ने क्या किया हरियाणा। लेकिन वो एक काम तो बताइए जो आपको लगता है कि हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। व्हाई शुड आई विल डू, मैं काम करता हूँ, ये बात, ये विश्वास सारी जनता को है। लेकिन एक बात जो आपके लिए हमने एक कम्युनिटी में क्वेश्चंस के लिए मांग की थी, तो उसमें बहुत सारे सवाल आए थे आपके लिए। उसमें उन्होंने पूछा है, एक हमारे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अनिल विज जी बार बार नाराज़ हो जाते हैं पार्टी से, इसकी क्या वजह? मेरा ख्याल है कभी नाराज नहीं हुआ, कभी भी नाराज नहीं हुआ मैं पार्टी से। नाराज नहीं हुए ना। तो ये जो अभी आपके जब मनोहर लाल खट्टर के समय में हुआ था कि मुझे भी सीएम पद के लिए कंसीडर किया जाए, मैंने कभी नहीं कहा। कोई एक बयान बताओ सारे विश्व का, मेरे इस बयान से पहले सारे विश्व का एक व्यक्ति आकर ये बता दे कि अनिल विज ने कभी मेरे सामने कुछ बनने के लिए कहा था। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने आपको बताया कि ये भी मैंने एक जो मेरे खिलाफ कंपेन चलाई जा रही थी, प्रश्न उठाया जा रहा था, मैंने केवल उसका जवाब। अच्छा, पिछले दिनों अब आप देखा होगा आपने तिरुपति मंदिर से वो लड्डू वाला आया कि आप खुद भाजपा एक शुद्ध राजनीति और भगवान की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है। ऐसे में अब एक आवाज़ आ रही है कि तिरुपति के मंदिर में चर्बी वाले घी से लड्डू बनाया जाता रहा। बहुत गुस्सा है सारे देश में। जी जी है। जी जी, और इसकी पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उनको तो खड़े करके गोली से उड़ा, गोली से उड़ा देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं देश में तो उन्हें गोली से उड़ा देना चाहिए। 2019 के चुनाव की अगर बात करें, और आपके अपोजिशन में बहुत ही आपके आपकी उम्र के साथ भी और उनके तजुर्बे के साथ भी चित्रा सरवारा जी थी, और वो इस बार भी आपके अपोजिशन में, उनको ही आपका टक्कर माना जा रहा है, आपको क्या लग रहा है वो कितना बड़ा बड़ी टक्कर आपके लिए हो सकती है? देखिए, वो तो यहाँ पर मुझे किसी से भी मेरा चुनाव नहीं है, वो तो आपस में लड़ रहे हैं दोनों, कांग्रेस का और कांग्रेस का बागी उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सारी जनता मेरे कामों से प्रभावित है, और जो मैंने काम करके दिखाए हैं, इन पार्टियों ने तो कभी भी यहाँ पर कोई काम नहीं किया, मैंने करके दिखाया, और जनता इन सारों की जमानत जब्त करा के सारे देश में एक पैगाम देना चाहती है कि हाँ, अब हमें केवल काम करने वाले लोग चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं के लिए अपराधों में बड़ी वृद्धि हुई है, बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, जैसा कि हुड्डा साहब आपकी सरकार पर आरोप लगाते रहे कि हमने जब छोड़ा था तब पर कैपिटा इनकम हरियाणा की बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी कम थी, महंगाई कम थी, लेकिन भाजपा ने इस तरह से पूरे देश में महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पे आपका क्या? हुड्डा साहब झूठे डाटे लाकर पेश करते हैं विधानसभा में। मैंने क्राइम वाइज इनके 10 साल का और अपने 10 साल का रखा था, और इनके टाइम में जिस धारा में जो अपराध हो रहे थे हमारे समय में वो बहुत कम हुए। ये जो बदमाशी छोटी मोटी होती भी है वो इन्हीं की पैदा की हुई है, इन्होंने पैदा करा, बदमाशों के सिर पे हाथ रखा इन्होंने। इनके समय में अपराध सबसे ज़्यादा थे, आप किसी भी डाटा से इनका 10 साल और हमारा 10 साल कंपेयर करके देखें। तो आपको आपका कहना है कि उनका उनके समय में क्राइम ज्यादा? मैंने पिछले विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया हुआ, वो मेरा रिकॉर्ड निकलवा। जी, आप ये बताएं कि अभी जब मैं देख रही थी तो उसमें आया कि जल निकासी अंबाला कैंट की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ के परेशान हैं यहाँ से, तो उसके लिए आपका कोई कदम होगा या सचमुच? आप देखिए, जल निकासी के लिए जितना मैंने किया है किसी ने उतना नहीं किया, और इतनी बरसात आई इस बार अम्बाला छावनी में आधा घंटा भी पानी नहीं रुका,
मैंने सारे शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डलवा के दिए। ये नालों के ऊपर बसा हुआ शहर था और वो नाले बीमारी का घर थे। मैंने वो सारे ख़त्म करके स्ट्रॉन्ग वाटर डलवा के दिए। मैंने टांगरी जो बरसाती नदी है जिससे पानी हमारे शहर में आता था, मैंने उसका बांध ठीक करवा के उसके ऊपर सड़क बनवा दिया 8 किलोमीटर। और जितनी बारिश पिछले साल आई थी, अगर वो बांध ना होता तो मोहल्ले का एक भी घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री नहीं बचना था, वो मैंने बचा लिया। यहाँ पानी निकासी के 2 नाले हैं, वो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए थे। मैंने IIT रुड़की से डिज़ाइन करवा के वो तुड़वा कर और मैंने नए नाले बनाए। गुड़गुड़िया नाला 90-95% बन चुका है और महेशनगर ड्रेन उसकी टेल बन चुकी है और हेड बन चुका है उसका, बीच का पोर्शन बनना, उसके 24 करोड़ रुपए रिजर्व कराए हुए। तो मेरे सिवा तो किसी ने किया नहीं। ये जो नाले हैं, जो महेशनगर ड्रेन है, कांग्रेस के टाइम में ये सारा पानी 50 हॉर्स पावर की मोटर से निकाल कर टांगरी में डालते थे। मैंने आगे लैंड एक्वायर करवा के नाला सीधा टांगरी में डलवा दिया। और अगर टांगरी का लेवल बढ़ जाता है नदी का, बरसाती नदी का, तो 50 क्यूसिक जहाँ पाइप लगा हुआ था, 200 क्यूसिक के लगा रखे। और ना केवल यहाँ अम्बाला के शुरू में मैंने एक डाइवर्शन ड्रेन बना के दिया ताकि शहर में घुसने से पहले हम 200 क्यूसिक पानी लिफ्ट लगा के उसको नदी में डाल देते हैं। तो कोई और बताए, जिनके राज रहे हैं, किसी ने एक काम भी किया? मैंने किया। कल भाजपा का मैनिफेस्टो आया, उससे एक दिन पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया। दोनों के मैनिफेस्टो में बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, तो दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन भाजपा ने 2000 कांग्रेस के मुकाबले महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात की है हर महीने। 500 रुपये पे दोनों की मांडवली हो गई है कि दोनों 500-500 रुपये का सिलेंडर देंगे महिलाओं के लिए। महिलाओं को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है इस पूरे चुनाव में। वहीं पर किसान आपसे बहुत नाराज़ हैं, किसान भाजपा से बहुत नाराज हैं। बातें एक जैसी हो सकती हैं पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग हो। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है, और कांग्रेस का लगभग सेम मैनिफेस्टो हिमाचल प्रदेश में आया था। हमारे तो साथ लगता है, हमारे से तो बॉर्डर लगती है अम्बाला के साथ। वहाँ भी इन्होंने महिलाओं को पैसे देने की बात की थी, वहाँ भी सिलेंडर माफ करने की बात की थी। आज हालत क्या है हिमाचल की? आज हिमाचल के मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है। बात आप OPS की करते हो, पैसे तुम्हारे पास है नहीं है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी हम हरियाणा को नशा मुक्त करेंगे, और उन्हीं के सरकार के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कि हम सारे प्रदेश में भांग उगाएंगे, नशा पैदा करेंगे। तो आप ये देखिए, ये है दोहरा चेहरा कांग्रेस का। मैं कर्नाटक का भी बता सकता हूँ, कांग्रेस शासित दूसरे प्रदेशों का भी बता सकता हूँ, पर हमारे पड़ोस में है, हमारे हरियाणा का एक एक आदमी कांग्रेस की स्थिति जो हिमाचल में है उसको देख कर वोट डाल लेगा। इनका कहना और हमारे कहने में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने आपको बताया कि हमने आज तक जो जो कहा, इतने कठिन काम थे वो भी हमने करके दिखाए। अब अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं जेल से बाहर और उन्होंने एक नया पैंतरा डाला है आतिशी को मुख्यमंत्री बना के, और अब वो हरियाणा के दौरे पर निकल रहे हैं। वो कितने बड़े चैलेंज हरियाणा के लिए हो सकते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का जो आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, उनकी पार्टी के ऊपर लगा हुआ है, वो ये अदला बदली करने से दाग धुलेंगे नहीं, वो दाग जस के तस हैं। और जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की बात करते हो, ये अब दिल्ली के लोगों ने 7 सीटों पर इनको हरा कर, जहाँ इनका जन्म हुआ था, ये बता दिया कि लोग अब इस पार्टी को नहीं चाहते हैं। पंजाब में अब हाल देख लो, जहाँ जहाँ इन्होंने अपने लोग खड़े करे थे बाकी प्रदेशों में, सब जगह इनकी जमानत जब्त हुई है। अब ये जमानत जब्त पार्टी है। आप कह रहे हैं जमानत जब्त पार्टी है, लेकिन वो तो बड़ा चैलेंज बन के और बड़े सारे नहीं, उनको डायलॉग मारने तो आते हैं, जो झूठ की पैदाइश है।
जो अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला था, मैं दिल्ली में भी देखने गया था, अपने शहर में भी हमने कार्यक्रम करे। उस आंदोलन में आप मुझे बताओ कहीं पर भी कोई राजनीतिक पार्टी बनाने का था? अन्ना हजारे जी आज भी कह रहे हैं मैंने इनको रोका था। ये तो धोखे से एक सत्याग्रही को धोखे में रखकर और इन्होंने ये अपनी पार्टी बनाई, और जो जो इन्होंने वादे किए आज सबके ये विपरीत काम कर रहे हैं। और इनके कितने लोग तो जेल में रह चुके, कितने लोग तो जमानत पर हैं, पहले ये जेल में थे अब ये बेल में है। आपके अपोजिशन में खड़ी हैं चित्रा सरवार और परिमल परी जी, दो जिन्हें बड़ा नाम यही दोनों आ रहे हैं सामने, आपके लिए आपको क्या लगता है आपके लिए बड़ा खतरा अगर हो सकते हैं तो कोई कौन हो सकता है? नहीं नहीं मेरे लिए कोई भी नहीं है। मैंने चित्रा सरवारा को भी हराया हुआ है, इसके पिताजी को भी हराया हुआ है। हाँ, हाँ, यहाँ से ये मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। ये तो आपस में लड़ रहे हैं दूसरी और तीसरी पोजिशन के लिए। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि ये दूसरी और तीसरी पोजीशन? अच्छा, चलते चलते दो सवाल और हैं। आपको एक शब्द में इन नेताओं के बारे में बताना है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं। अरविंद केजरीवाल, फ्लॉप। आतिशी, फ्लॉप। राहुल गांधी, झूठा आदमी। पीएम मोदी, जो कहता है वो करता है। अमित शाह डंके की चोट पर हैज कोट द करेज टू गेट द थिंग्स मटेरियलाइज्ड। दीपेंद्र हुड्डा तो अपराधी है, उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं और वो आज जेल में या कल जेल में, वो कभी भी जेल में जाने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा नहीं, आपने पहले भूपेंद्र कहा था, दीपेंद्र कहा था। दीपेंद्र हुड्डा तो अपने बाप के सिर पर राजनीति कर रहा है, और भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, वो जेल जाने की लाइन में लगे हुए हैं। शैलजा कुमारी, हरियाणा राजनीति में बड़ा नाम है वो भी। भाई शैलजा कुमारी भी कांग्रेस की एक नेत्री है, और उसको कहना चाहिए पिटी हुई नेत्री है। शैलजा कुमारी पिटी हुई नेत्री है और भूपेंद्र हुड्डा कभी भी जेल जा सकते हैं। इन बयानों के साथ हमारे साथ थे अनिल विज जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन एक चलते चलते सवाल मेरा एक और रह जाता है, हरियाणा में अगर सबसे पहले बदलना हो तो क्या बदलेंगे? देखिए बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ किया गया है, और मेरे अपने दिमाग की योजनाएं हैं, अभी तो समय आएगा तो बताऊंगा, समय से पहले मैं कभी नहीं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।